अब अमेरिका से आए हैं, वहां भी चुनाव चल रहे हैं, सर्वे में कभी कमला हैरिस ऊपर हैं, कभी जी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर हैं, वहां डिबेट हो रही है, आखिरी डिबेट भी हो चुकी है वहां पर। तो वहां लोग क्या मुद्दे देखते हैं, नेता किस तरह से अपना विजन रखते हैं, वहां की राजनीति यहाँ की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हो? अगर वो वाला मामला यहाँ शुरू कर दे तो जितने नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये घर बैठ जाएंगे रातों रात, घर बैठ जाएंगे, एक भी वोट नहीं इनको मिलेगा। वहां तो अगर गली की ईंट उखड़ी हुई हो ना, एक नोटिस जाता है सिटी हॉल को कि जी ये गली की ईंट उखड़ी है, अगर इसमें किसी को ठोकर लगी ना, ये लाखों में पड़ेगी सिटी को। वहां इतनी बर्दाश्त कोई नहीं करता। कारण एक है, लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। यहाँ भी युवा पढ़ा लिखा है, हर कोई गांव ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई पीएचडी ना हो। लेकिन कमाल की बात यह है, ऐसी पट्टी बांधी हुई है आंखों पे कि नौजवान की हिम्मत ही नहीं हो रही इनसे सवाल पूछने की। 200% विजन ये है जी, गरीब परिवार का बच्चा, उसको उच्च शिक्षा इस लेवल की मिले कि उसको नौकरी की तलाश ना करनी पड़े, वो व्यापारी बने। बुजुर्गों की दवाई का इंतजाम हर गांव में हो और ये तनाव घटे। और सबसे बड़ी समस्या है नशे की, नशा इतना फैल चुका है, घर घर आप देख रहे हो, हर गांव में आप देख रहे हो, हाथ से लिखा हुआ दीवारों पे, हाथ घर घर लिखा हुआ दीवारों पे, नशा मुक्ति के लिए यहाँ संपर्क करें। हमारा हरियाणा ऐसा था ही नहीं। आ जा ताई बीच में एक बार, हमारा ताई एक मिनट, ताई बीच में आशीर्वाद दे गई है, जानो हो नानंद का है भाई, नानंद का। अच्छा, डॉक्टर जसवीर लोहान है, ये अमेरिका भेजे हैं जो पढ़े लिखे बालक है उनको। ठीक है बेटा, वोट किसके ने दे रहे हो इनका है? वोट तो भाई बात सही मैंने दे रहा था, पर मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा, किसकी चर्चा चल रहा है घर में? भाई बचा किसे की नहीं चल रही बेटा। हरियाणा में हर चुनाव कास्टिज्म पे बढ़ जाता है, जब आखिर में जात पात पे वोट बढ़ते हैं, नेताओं को जाति देख के वोट मिलते हैं, पार्टी का हेड कौन कर रहा है उसकी जाति देख के वोट मिलते हैं। ये राजनीति के लिए कितना फिट मानते हो, और अमेरिका में क्या इस तरह के, वहां भी जातीय सिस्टम है क्या कोई? इस तरह की राजनीति करने वाले लोग वो तो जीरो है, वो इंसान है ही नहीं। जाति क्या होती है? गरीब की कोई जाति होती है? गरीब को जिसको परवाह सिर्फ अपनी रोटियों की है, अपने बच्चों को बचाने की है, जमींदार को उसके खेत दिख रहे हैं और उनके बच्चों के मुंह में निवाला नहीं, गरीब व्यक्ति का क्या धर्म और क्या जाति? ये जो लोग धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे बांट के वोट ले रहे हैं ना, ये राजनेता नहीं हो सकते। ये राजनेता तो छोड़ो, आप नेता भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत अमेरिका में है इस तरह का कोई कास्ट नहीं, इस तरह का काम नहीं है कोई ना, जाति जाति के धर्म के नहीं, नहीं जी नहीं, वो, इस तरह का मैं कहता हूँ यहाँ भी नहीं होगा। ये तो अभी हुआ है, इससे पहले कहाँ था? हमारे बिल्कुल 36 बिरादरी का भाईचारा रहता था सभी गांवों में। हाँ, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल आप देखोगे जब युवा जागेगा ना, ये सारी चीजों का पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हरियाणा की सबसे चर्चित सीट नारनौंद, और नारनौंद का जिक्र आएगा तो दो नामों की चर्चा है, कैप्टन अभिमन्यू, जस्सी पेटवाड़। लेकिन इन दो नामों के बीच एक तीसरे नाम ने पूरे हलके में एक जो चर्चा का केंद्र बिंदु है, और वो है डॉक्टर जसवीर लोहान। जसवीर लोहान अमेरिका से आए हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रणबीर लोहान, उनके छोटे भाई हैं, पूरे हलके का जो चुनाव है वो पूरा घुमा दिया है, और हरियाणा की राजनीति, नारनौंद की सियासत और अमेरिका की सियासत, इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से अंतर है, यहाँ का चुनाव कैसे देखते हैं, और आम आदमी पार्टी जो एक ईमानदारी का प्रतीक है, दिल्ली में जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया है, हरियाणा में उनका क्या फोकस है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी नमस्ते। सात समुन्द्र पार से आप आए हो और यहाँ गली गली घूम रहे हो, कैसा इलेक्शन नारनौंद का देख रहे हो? मैं ये कहूंगा जी, सात समुद्र पार से आने की जरूरत ना पड़ती अगर पिछली दो सरकारें जी 10-10 साल का मौका दिया लोगों ने, अगर वो अपने कर्म पे होते तो मुझे वहां से आने की जरूरत ना पड़ती जी। कैसे, क्या कमियां रही इन दोनों सरकारों में? मैं आपसे भी, और पूरे आप तो पूरे हरियाणा में घूमते हो, इतना बड़ा चैनल है आपका, जग हर जगह जाके ये जोत जगाते हो आप, लोगों को अवेयर करते हो। मेरा ये क्वेश्चन है सभी से, पिछले 20 सालों में कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, मैं गांव गांव घूम रहा हूं, किसी भी गांव में कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक, कोई कुछ भी नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं, कोई एक्सरे की मशीन नहीं, कोई एमआरआई सीटी स्कैन तो बहुत दूर की बात है, गोड्डे खराब, किसी की आंखें खराब, हड्डियों की दिक्कत, और मैं इस गाँव में तो घूम रहा हूँ, वहां
तीन चार लोगों को तो लकवाई मारा हुआ है, उम्र 50-50 साल एक, है। एक बड़ी हैरानी की बात बताऊं? हाँ जी, पूरे हरियाणा की सारे सरकारी अस्पतालों में शायद एक रेडियोग्राफर है अल्ट्रासाउंड करने वाला, एक सरकारी, ये बड़ा आंकड़ा मैं बता दूं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने दो बड़ी पार्टियों के नाम लिए शुरू में कि भी बड़ा जिक्र चल रहा जस्सी पेटवार कांग्रेस से, कैप्टन अभिमन्यू बीजेपी से। मैं तो कहता हूँ पूरे नारनौंद हल्के की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूँ, वो जिस भी गांव में जाएं उनसे ये सवाल पूछें कि भाई आपकी दोनों की पार्टियों ने पिछले 20 सालों में आम जन का किया क्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी, गरीब आदमी दो ही चीजें मांगता है, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई, इन दोनों का इंतजाम हो तो आप मुझे बता दो, हम तो दो ही मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन बावजूद उसके लोग इन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं और ये दोनों पार्टियां कोई काम नहीं किया, ये पट्टियां बंधी हुई हैं दिमाग के ऊपर सिर्फ इस बात के लिए कि हर घर रोजगार हम दे देंगे, हम दे देंगे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया हर घर रोजगार? बीजेपी की सरकार रही 10 साल, क्या दे दिया रोजगार? मैं यही बात जगाने के लिए, अलग हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अलग जगा रहे हैं लोगों के बीच में कि आप ये तो समझाइए को फार्मूला कौन सा है, कौन से फार्मूले से आप हर घर रोजगार दे दोगे, कोई है फार्मूला इनके पास, कोई तरीका तो हो जी। या तो ये कहें जी 37 लाख लोग, 37 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं और सारे बेरोजगार भी इतने ही, हम एक एक को दे देंगे फिर तो बात बनती है। 2 लाख सेंक्शन पोस्ट खाली हैं और बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में भी 2 लाख नौकरियां देने की बात कही है। हाँ। अभी से बहुत सारे नेता तो नौकरियां बांटने भी लग गए हैं, तो फिर ये बताओ 35 लाख लोग और बेरोजगार रह गए, ये कहां जाएंगे? इसकी बात कौन करेगा? इसका कोई नहीं कर रहा, इसकी बात हम कर रहे हैं। हम ये बात करें, शिक्षा प्रणाली में ऐसा बदलाव की कोशिश है कि वो शिक्षा उनको इस तरीके की दी जाए जिसकी डिमांड हो मार्केट में। तो ये रोजगार हमारा एक नारा भी है, युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद, वो मालिक तभी बनेंगे जब वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप अमेरिका से आए, उस समय यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, रणबीर लोहान निर्दलीय है जी। आम आदमी पार्टी में ही क्या खास देखा उसके चुनाव चिन्ह मैदान में कूदे? फिर पिछले 23 साल से हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी मेन एजेंडा शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। दिल्ली में आप देख सकते हो स्कूलों की कंडीशन, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटके सरकारी स्कूलों में हैं। हरियाणा में वही 2500 स्कूलों के ताला मार दिया, 2500 स्कूल बंद किए। हरियाणा में 2250 स्कूल बंद हुए। 2250 स्कूल बंद होना अपने आप में शर्म की बात है। प्राइवेट स्कूलों में फीस देखिए आप कितनी ज्यादा है। एक तरफ कहते हैं कि गरीबी का हम इलाज करेंगे, दूसरी तरफ ये सरकार कह रही है कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 1100 रुपए हम देंगे। ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा, सरकारी स्कूलों बंद करना, सरकारी बंद कर दिए जी, 2250 स्कूल बंद कर दिए और जितने बचे हुए उनमें टीचर नहीं है। ये इरादा क्या है सरकार का? सोचने की बात है। गरीब लोगों को शिक्षा से दूर करना, शिक्षा से दूर करना। और दूसरी बात है, मैं ये कहता हूँ कि क्या गरीब परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना तरक्की कर सकता है? गरीब आदमी तो मरता तभी है जब उसके घर में बीमारी लंबी चलती है तो वो कर्जे में आता है। बच्चा उसका पढ़ता नहीं क्योंकि शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं। प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे जा नहीं सकते क्योंकि फीस ज्यादा है। और सरकारी स्कूलों पे ताला मारने का इरादा कर लिया। ये बातें जब लोगों के सामने रख रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है? लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। और लोग कह रहे हैं कि जी ये बातें आपने आज तक किसी में, और मैं आपको भी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हरियाणा में आप घूमिए, 90 के 90 विधानसभा हलकों में आप जाइए, अगर किसी भी हलके में आपको इन मुद्दों पे चर्चा हुई मिले तो आप मुझे कहना। ठीक है, आप अमेरिका से आए हैं, वहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, सर्वे में कभी कमला हैरिस ऊपर हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर हैं, वहाँ डिबेट हो रही है, आखिरी डिबेट भी हो चुकी है वहाँ पर। तो वहाँ लोग क्या मुद्दे देखते हैं, नेता किस तरह से अपना विजन रखते हैं, वहाँ की राजनीति यहाँ की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हो? अगर वो वाला मामला यहाँ शुरू कर दे तो जितने नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये घर बैठ जाएंगे रातों रात, घर बैठ जाएंगे, एक भी वोट नहीं इनको मिलेगा। वहां तो अगर गली की ईंट उखड़ी हुई ना, एक नोटिस जाता है सिटी हॉल को कि जी ये गली की ईंट उखड़ी है, अगर इसमें किसी को ठोकर लगी ना, ये लाखों में पड़ेगी सिटी को। वहां इतनी बर्दाश्त कोई नहीं करता। कारण एक है, लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। यहाँ भी युवा पढ़ा लिखा है, हर कोई गांव ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई पीएचडी ना हो।
लेकिन कमाल की बात ये, ऐसी पट्टी बांधी हुई है आंखों पे कि नौजवान की हिम्मत ही नहीं हो रही इनसे सवाल पूछने की। सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा युवा कि कहीं कुछ करवा ना दे, इतना डर का माहौल कोई कोई पूछ ही नहीं सकता। तो ये चीज आप देखिए कि वहां और यहाँ के सिस्टम में तो बड़ा दिन रात का फर्क है। ठीक है, कैसे कैसे बदलाव आएगा, कैसे बदलेगा ये माहौल, हमारे नेताओं से कैसे सवाल पूछने लगे इन लोग? सवाल तो सिर्फ और सिर्फ जब भी आपके गांव में किसी चौपाल में नेता लोग आते हैं ना, मैं कहता हूं कि सभी हलकों में, सिर्फ अकेले नारनौंद हलके में नहीं, नारनौंद हलके में तो हमने अलग जगह दिया, लोग सवाल पूछने लग गए। सवाल पूछते तो वे लोग कहते हैं विरोध करने लगे, फिर उनकी उस तरह से आलोचना होती है। मैं कहता हूँ सबसे पूछो, कांग्रेस से भी पूछो, बीजेपी से भी पूछो और हमारे से भी पूछो। मैं तो कहता हूँ मैं तो बड़ा खुशनसीब हूंगा अगर मेरे से कोई सवाल पूछ ले, पूछ ले, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है गिनवाने के लिए हमने क्या किया है वो बता तो दें। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ, एक भी नेता इसका जवाब दे दे तो हम इलेक्शन आज ही बंद कर दें। ठीक है, नारनौंद के लिए क्या विजन आप लोगों के सामने रख रहे हो? 200% विजन ये है जी, गरीब परिवार का बच्चा उसको उच्च शिक्षा इस लेवल की मिले कि उसको नौकरी की तलाश ना करनी पड़े, वो व्यापारी बने, बुजुर्गों की दवाई का इंतजाम हर गांव में हो और ये तनाव घटे, और सबसे बड़ी समस्या है नशे की, नशा इतना फैल चुका है, घर घर आप देख रहे हो, हर गांव में आप देख रहे हो, हाथ से लिखा हुआ दीवारों पे, हाथ घर घर लिखा हुआ दीवारों पे नशा मुक्ति के लिए यहाँ संपर्क करें। हमारा हरियाणा ऐसा था ही नहीं। आजा आजा ताई बीच में एक बार, हमारा ताई एक मिनट, ताई बीच में आशीर्वाद दे गई है, जानो हो नारनौंद का। अच्छा, डॉक्टर जसवीर लोहान है, ये अमेरिका भेजे हैं जो पढ़े लिखे बालक है उनको। ठीक है बेटा, वोट किसके दे रहे हो इनका? वोट तो भाई बच्चा ही मैंने दे रहा था, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा, किसकी चर्चा चल रहा है घर में? भाई बच्चा किसी की नहीं चल रही बेटा। यू पर्चा कौन सी पार्टी का है? इन्होंने दिया है, इन्हें का है, इनका चुनाव निशान तो ये तो झाड़ू का, आम आदमी पार्टी का, इन्हें के बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक से बेटा, ठीक से, हाँ ठीक से, चलो ठीक है जी, बात चल रही थी अपनी, ये आशीर्वाद देगी कि ताई से बात करना जरूरी था। हर गांव में मैं गया, हर गांव में दीवारों पे एटलीस्ट कम से कम भी एक एक गांव में 30-30, 40-40 इश्तेहार लिखे हुए हाथ से, नशा मुक्ति केंद्र और फोन नंबर, नशा मुक्ति केंद्र फोन नंबर, नहीं तो हमारी इन्हीं दीवारों पे लिखा होता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये था हमारा हरियाणा, और पंजाब कभी इस चीज के लिए बदनाम होता था नशों के लिए, हमारे यहाँ तो चीजें थी नहीं, और ऐसा तो है नहीं है रातों रात आ गए नशे 20 साल नेताओं की अफसोस आएगी गठजोड़, ये 200% पुलिस पॉलिटिशियन और स्मगलर्स की बिना ये काम हो नहीं सकता जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे माहौल हरियाणा में देख रहे हैं? हरियाणा की तस्वीर अभी तक आम आदमी पार्टी के अनुकूल जम नहीं पाई है, क्या माहौल देख रहे हो पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का? केजरीवाल बाहर भी आ गए हम तो, आप कल हमारे साथ होते ना आपको पता लगता कि किस तरीके से लोग जाग चुके हैं और किस तरीके से नौजवानों में जोश था, लोग झाड़ू लेके रोड पे खड़े थे और हमारा काफिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, 2 किलोमीटर लंबा काफिला था हमारा। किस चीज की सफाई करोगे इस झाड़ू से, करप्शन की और किस किस चीज की? इस चीज से तो बहुत चीजों की सफाई हो जाएगी, आप देखते रहो, जो जो एजेंडा है, जो मिशन है ना, वो मिशन यही है। आप खुद सोचो कि एक परिवार में एक तरफ बाप बीमार, उस तरफ बच्चा स्कूल में जा रहा है, उधर फसल खराब हुई आपकी, वो कहाँ जाए व्यक्ति? सोच के मजबूर है, नौजवान तनाव में है, नशे की तरफ जा रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, 130,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी इस वजह से क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, कोई तुक नहीं बनता जब रोजगार है ही नहीं, बिल्कुल क्या करेगा वो? तो ये झाड़ू तो जी ऐसी सफाई करेगी जैसे दिल्ली में की और पंजाब में की। ठीक है, आखिरी सवाल है, हरियाणा में हर चुनाव कास्टिज्म पे बढ़ जाता है जब आखिर में जात पात पे वोट बढ़ते हैं, नेताओं को जाति देख के वोट मिलते हैं, पार्टी का हेड कौन कर रहा है उसकी जाति देख के वोट मिलते हैं, ये राजनीति के लिए कितना फिट मानते हो? और अमेरिका में क्या इस तरह के वहां भी जातीय सिस्टम है क्या? कोई इस तरह की राजनीति करने वाले लोग वो तो जीरो है, वो इंसान है ही नहीं। जाति क्या होती है? गरीब की कोई जाति होती है? गरीब को जिसको परवाह सिर्फ
अपनी रोटियों की है, अपने बच्चों को बचाने की है, जमींदार को उसके खेत दिख रहे हैं और उनके बच्चों के मुंह में निवाला नहीं, गरीब व्यक्ति का क्या धर्म और क्या जाति। ये जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के वोट ले रहे हैं ना, ये राजनेता नहीं हो सकते। ये राजनेता तो छोड़ो, आप नेता भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत अमेरिका में है इस तरह का कोई कास्ट नहीं, इस तरह का काम नहीं है कोई, ना जाति के धर्म के नहीं, नहीं जी नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ भी नहीं होगा, ये तो अभी हुआ है। इससे पहले कहाँ था हमारे, बिल्कुल छत्तीस बिरादरी का भाईचारा रहता था सभी गाँव में। हाँ, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल आप देखोगे जब युवा जागेगा ना, ये सारी चीजों का पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता। चलो बहुत धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर जसवीर लोहान, अमेरिका से आए हैं, नारनौंद हलके में गांव गांव अलख जगा रहे हैं, मुद्दों के आधार पर वोट देने की बात इन्होंने कही है। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का। डॉक्टर जसवीर लोहान प्रचार कर रहे हैं बड़े भाई रणबीर लोहान के लिए और उन्होंने पूरे हरियाणा में पहचान बनाई है, पढ़े लिखे युवाओं को विदेश में भेजना, पढ़ाई के लिए भेजना और वहां उनको रोजगार दिलाना, तो उसके चलते पूरे हरियाणा में चर्चित चेहरा है। नारनौंद का चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है, कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।